हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा फेस्टिवल, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली का, उसके ऊपर लेके आई हूँ। दिवाली के ऊपर आपको कैसे सजना संवरना है और कैसे मेकअप करना है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको ये जो मेकअप ट्यूटोरियल मैं जो बना रही हूँ वो काफ़ी हेल्प करेगा और आप ये ट्यूटोरियल बनाने की भी कोशिश करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दूंगी, और जो कि मैंने कर लिया है। अब आ जाती है हमारे प्राइमर की बारी। मैंने फेस स्किन केयर के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो बना रखा है, मैं मेरी हर वीडियो में बताती हूँ। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, जल्दी से जाकर आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। ये भी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो फेस पर सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शुगर का। मैं जेल बेस्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ। मैं मेरे फेस की करेक्टिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर क्रायलॉन की सुप्रा पैलेट, जो कि बहुत ही अच्छी पैलेट है और हमारे फेस पर जो पिगमेंटेशन है उसको बहुत ही अच्छे से हाइड करती है। मेरे फेस पर कहीं कहीं एक्नेस के स्पॉट्स हैं, उसको मैं कवर कर देती हूँ, ताकि ये मैं कवर कर दूँगी तो मेरा फाउंडेशन है वो फुल कवरेज दे। कितनी बार ऐसा होता है हमारा फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं देता, इसीलिए नहीं देता है कि हम हमारे फेस की करेक्टिंग अच्छे से नहीं करते। इंस्टाग्राम पर रील भी साथ साथ में बन रही है, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हो। रोमा पंचाल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है, वहाँ जाके मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इस लुक की भी देख सकते हो और इस लुक की रील्स भी देख सकते हो। तो फेस के करेक्टिंग पर आ जाते हैं। मैं इसके अंदर मेरे फेस की करेक्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ FS22, जो कि प्रॉपर मेरे फेस के शेड का कलर है, थोड़ा थोड़ा अंडर आई। जहाँ जहाँ पर भी पिगमेंटेशन थी वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से मेरे फेस को करेक्ट कर दिया है, और ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी है क्योंकि इसके ऊपर हमारे फेस पर फाउंडेशन की भी एक लेयर आने वाली है। तो अब मैं मेरे फेस पर फाउंडेशन लगा देती हूँ। फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नॉट का, ऑनली फॉर टू पम्प्स अभी मैं ले रही हूँ, जितना मुझे मेरे फेस पर चाहिए उतना। एंड हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल ब्लेंड कर देना है, ब्लेंडर दबा दबा के यूज़ ना करें, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है उससे। फाउंडेशन मैंने मेरे अच्छे से फेस पर ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस लग रहा है। और अब मैं मेरे फेस की करूँगी कंसीलिंग। कंसीलिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो का कंसीलर। हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब इस पूरे क्रीम प्रोडक्ट को अच्छे से फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पर नॉट का यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई हमारा जो कंसीलर है उसको अच्छे से एक बार फिक्स कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीजिंग हमारी आईलिड्स पर आती है और अंडर आई पर आती है। पूरे फेस को हमने एकदम प्लेन कैनवस बना दिया है, पूरे फेस की कंप्लीट कह सकते हैं ना, पूरा कवर्ड कर दिया है। अब इस हमारे पूरे फेस को हमको अच्छे से डायमेंशन देना है। फेस को हम एक बार कट करेंगे कॉन्टोर की हेल्प से। कॉन्टोर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। इस कॉन्टोर पैलेट के अंदर हाइलाइटर भी मिल जाएगा, कॉन्टोर भी मिल जाएगा, और फेस को हाइलाइटनिंग क्रीम पाउडर हाइलाइटनिंग करने के लिए लाइट कलर का कॉम्पैक्ट भी मिल जाएगा। कॉन्टोर के लिए इस टाइप का फ्लैट ब्रश यूज़ करें, इससे कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और एकदम ब्लेंडेबल होती है। कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर सबसे लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ ये वाला कॉन्टोर के लिए, ताकि जो मेरा फेस है वो एकदम नेचुरल लगे। मेरी चिन के लिए मैं थोड़ा डार्क कलर का कॉन्टोर यूज़ करूँगी ये वाला, क्योंकि मुझे मेरी डबल चिन को हाइड करना है। नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर कर दिया है। कॉन्टोर कंप्लीट फेस पर हो चुका है, थोड़ा सा फोरहेड पे करना है। हालांकि मेरा फोरहेड इतना बड़ा नहीं है,
इसलिए मुझे थोड़ा साइड साइड में ही कंट्रोल करना रहता है। और अब आ जाती है ब्लश की बारी। ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ करेक्टर का। करेक्टर के ब्लश बहुत अच्छे हैं और ये पैलेट भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर 3 शेड्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लाइट मेकअप करना है तो लाइट मेकअप के लिए भी लाइट कलर का ब्लश अवेलेबल है। थोड़ा पार्टी मेकअप करना है या फिर डार्क मेकअप करना है उसके लिए भी ब्लश अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी ये ब्लश पैलेट है और एकदम न्यूट्रल शेड के ब्लशेज़ हैं और हर किसी स्किन टोन पर अच्छे लगे। एक बार थोड़ा सा ब्लश मैंने ज़्यादा ही लगाया क्योंकि पूरा मेकअप होते होते ये ब्लश ऑलरेडी यानी बिल्कुल लाइट हो जाएगा और हमारे मेकअप में एकदम अजीब सा नहीं दिखेगा। अब आ जाती है फेस की हाइलाइटनिंग की बारी। हाइलाइटनिंग मैं सेम पैलेट से यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने कॉन्टोर किया था। इसके अंदर मैं गोल्डन और सिल्वर दोनों हाइलाइटर को मिक्स करके फेस पर लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो लहंगा मैं पहनने वाली हूँ उसके अंदर ना ही गोल्डन वर्क है ना सिल्वर वर्क है। एकदम मैं ज्वेलरी भी उसके अकॉर्डिंग ही पहन सकती हूँ, यानी जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ। उसके साथ गोल्डन भी पहन सकती हूँ, सिल्वर भी पहन सकती हूँ। दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ क्योंकि फेस्टिवल के लिए मैं लुक रेडी कर रही हूँ तो अच्छा लगेगा। हाइलाइटर मैंने फेस पर अच्छे से लगा दिया है। अब आ जाती है हमारे आई मेकअप की बारी। आई मेकअप हम एकदम आज बेसिक सा रखने वाले हैं और एकदम न्यूट सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे पूरे लुक के साथ। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट। ये पैलेट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी पैलेट है। यानी इसके अंदर कलर सारे इतने अच्छे हैं, पिंक के ही बहुत सारे टोन्स दे रखे हैं, यानी हम चाहे वैसा पिंक के साथ क्रिएशन कर सकते हैं। तो मैं आज मेरा जो लहंगा है वो थोड़ा बेबी पिंक टाइप का है, वाइट कलर है मिक्स है, तो मुझे एकदम न्यूड मेकअप करना उसके लिए परफेक्ट पैलेट है। ट्रांजिशन शेड के लिए मैं यहाँ पर बेबी पिंक कलर यूज़ करूँगी। ट्रांजिशन शेड मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब थोड़ा सा मुझे डार्क पिंक कलर का शेड लगाना है। डार्क पिंक यानी किस टाइप का पिंक? इसी के अंदर ये वाले पिंक कलर का शेड लगाना है। अब इसको भी मेरी क्रीज लाइन पर मैं बिल्ड करूँगी। अच्छे से इन दोनों कलर को मिक्स करके ब्लेंड करना है ताकि एकदम मस्त डिज़ायर कलर आ जाए हमारा। अब इसके अंदर एक ऐसा शेड दे रखा है ना, वो सिल्वर है ना गोल्डन है, इसी को मैं मेरी इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। इनर कॉर्नर पे मैंने लगा दिया है। अब मेरी लीड्स पे लगाने के लिए जो मुझे कलर चाहिए था वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, सो उसके लिए मैं यहाँ पर जॉनी यूएसए की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर सारे ग्लिटर्स हैं और इसके अंदर मैं ये सिल्वर कलर का शेड यूज़ करूँगी। एकदम डैब डैब करके नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मुझे स्प्रेड करना है क्योंकि डैब डैब करूँगी तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा मेरे लीड्स पर अप्लाई हो जाएगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब आ जाती है आईब्रोज़ की बारी। तो आईब्रोज़ में यहाँ पर फिल कर रही हूँ शुगर के आईब्रो डिफाइनर से। अब मैं मेरी आईब्रोज़ को जो मैंने फिल किया है उसको स्पूली से अच्छे से ब्रश कर दूँगी क्योंकि उससे क्या है ना, जो मेरी आईब्रोज़ के अंदर मैंने शेड लगाया वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब आ जाती है हमारे मस्करा की बारी। आज मैं काजल लगाना बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मस्करा लगाना है और लैशेज लगानी है, तो मस्करा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का डबल रेट मस्करा। मस्करा मैंने लगा दिया है, मस्करा थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं और फिर हमारी आई लैशेज को कर्ल करेंगे। मस्करा मेरा सूख चुका है, अब मैं मेरी लैशेज को क्लीन अच्छे से कर्ल कर देती हूँ। थोड़ा सा लिप्स पे लिप बाम लगा देती हूँ। लिप बाम लगा दी है, अब मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ जो एक्स्ट्रा लिप बाम है उसको चाट ले कुछ भी कर ले। तो ज़्यादा बोल बोल मुझे आ जाएगी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 शेड्स लेके आई हूँ लिपस्टिक के, पर लिपस्टिक लगाने से पहले एक बार मैं लिप को अच्छे से लाइन कर दूँगी। लिप लाइन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिप लाइनर और इसका शेड है 01।
लिप लाइन कर दी है मैंने अच्छे से और अब लिपस्टिक लगा देती हूँ। लिपस्टिक के 2 शेड्स में लेके आई हूँ और लिपस्टिक दोनों ही शुगर की हैं। नथिंग एल्स मैटर इस सीरीज का नाम है और इसका शेड है 0 04 और 13। रोज जॉब और न्यूड वाइब्स दोनों कलर को मैं मिक्स करके लिपस्टिक लगाने वाली हूँ और इसी के अब दूसरा शेड लगाती हूँ। और अब इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ शुगर का लिप ग्लोस, जो कि लिप ग्लॉस लगा देती हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो लिप्स हैं वो अच्छे से ग्लॉसी ग्लॉसी चाहिए। लिप शेड लग चुका है, अब इस पूरे मेकअप को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ और लैशेस लगानी है वो लैशेस भी लगा लेती हूँ। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का मेकअप फिक्सर। ये हमारा फाइनल मेकअप, अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हो। मैंने इस ड्रेसअप के साथ सिल्वर ज्वेलरी वेयर की है, सिल्वर हैंड पीस और नेक पीस वेयर किया है जिसके अंदर पिंक डायमंड्स हैं जो कि मेरे लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हेयर स्टाइल भी मैंने देख लीजिए इस टाइप की बनाई है, रोशनी ने कुछ इस टाइप की बना के दी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और इस लुक के मैं फुल फोटोज़ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी तो वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। रोमा पंचाल मेरी आईडी का नाम है। और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से मेकअप ट्यूटोरियल में। बाय। और आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय करो और बी सेफ और बहुत एंजॉय करो। बाय।